तो बोले पार्टी में दो, तुम पार्टी ही इतना है तो फिर
आइए, अभी और स्टूडेंट तो आए नहीं है, आप ही आए हैं तो आपका क्लास शुरू कर देते हैं। आपका क्या नाम है? हाँ बताइए, क्लास शुरू कर देते हैं। तो आज इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइन एंड देयर एप्लीकेशन। इंजीनियरिंग ड्राइंग जब बनाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइन होता है। पहला लाइन है कंटिन्यूअस थिक लाइन, ये 0.5 mm थिकनेस का होता है, कंटिन्यूअस थिक लाइन, और इसको HB पेंसिल से बनाया जाता है, इसको कंटिन्यूअस थिक लाइन बोलते हैं। जो विजिबल आउट लाइन्स हैं इसी से बनाते हैं, विजिबल एजेस जो हैं कंटिन्यूअस थिक लाइन से बनाते हैं, है ना। ये आपको विजिबल जो बाहर का आउट लाइन है किसी ड्राइंग का, आपको कंटिन्यूअस थिक लाइन से बनाते हैं। दूसरा टाइप का लाइन है कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट लाइन, इसका थिकनेस 0.2 mm होता है और इसको 2H पेंसिल से बनाते हैं। ये आपको डायमेंशन लाइन के लिए यूज होता है, प्रोजेक्शन लाइन और एक्सटेंशन लाइन के लिए यूज होता है, लीडर लाइन के लिए यूज होता है, हैचिंग में यूज होता है, आउटलाइंस ऑफ द रिजॉल्व सेक्शन में यूज होता है, शॉर्ट सेंटर लाइन में यूज होता है, थ्रेड लाइन में यूज होता है और डायगोनल लाइन में यूज होता है। मेनली जो आपको ड्रॉइंग में यूज होता है मेनली यही थिन लाइन है, और यही लाइन आपको हर तरह के लाइन में, हर तरह के यूज में आपको यूज होता है। दूसरा है कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड, इसका थिकनेस 0.2 mm से है और इसको 2H पेंसिल से बनाया जाता है, है ना। फ्री हैंड, फ्री हैंड के जितने भी ड्राइंग होते हैं आपको इसी लाइन से बनाया जाता है। जो पार्शियल और इंटरप्टेड व्यू है वो आपको इससे बनाया जाता है, और कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट जिगजैग, है ना, ये आपको जिगजैग लाइन है जो कटिंग सेक्शन के लिए आपको यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस थिक थिन जिगजैग लाइन जो आपको फिगर में आपको यूज किया जाता है। दूसरा है डैश थिक, डैश थिक लाइन 0.2 mm, एच पेंसिल से बनाया जाता है, एच पेंसिल से बनाया जाता है। ये देखिए डैश थिक है, थिक लाइन, और ये हिडन आउटलाइन के लिए यूज किया जाता है, हिडन एजेज के लिए यूज किया जाता है। हिडन मतलब जो छुपा हुआ एजेज है, छुपा हुआ ऑब्जेक्ट का एजेज है, उसके लिए ये यूज किया जाता है, डैश थिक लाइन है। फिर डैश थिन लाइन है जो 2H पेंसिल से बनाया जाता है, ये हिडन आउटलाइन के लिए यूज किया जाता है, हिडन एजेज के लिए यूज किया जाता है ना, ये आपको डैश थिन लाइन है। फिर चैन, चैन थिन लाइन है, चैन थिन लाइन देखिए एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा है एक छोटा है, आपको ये सेंटर लाइन के लिए यूज किया जाता है, लाइंस ऑफ सिमेट्री के लिए यूज किया जाता है, टारजेट्री के लिए यूज किया जाता है, है ना। ये आपको सेंटर लाइन के लिए आपको ये यूज किया जाता है, आपको ये आपको चैन थिन लाइन है, है ना। दूसरा है चैन थिक लाइन, चैन थिक, चैन थिक लाइन, आपको चैन थिन लाइन कटिंग प्लेन के लिए यूज किया जाता है, कोई भी कटिंग प्लेन बनाते हैं उसमें आपको चैन थिन लाइन के लिए आपको यूज किया जाता है। और दूसरा है चैन थिक,
जो आपको सरफेस को आपको इंडिकेट करने के लिए आपको यूज किया जाता है। चैनथिल डबल डेस्ट ये है, ये आपको पार्ट सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कटिंग प्लेन के लिए यूज किया जाता है, आउटलाइन ऑफ द एडजेकेंट पार्ट के लिए ये आपको यूज किया जाता है ना। तो जो आपको जो मेन लाइन सब है आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में, यही टाइप्स ऑफ द लाइन है और इसके जो कहां यूज किए जाते हैं वो आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। ये आपको यहां पर आपको बताया गया है, ये टेबल टू में भी वही आपको आपको दिखाया गया है, ये कौन कौन सा आपको टाइप्स ऑफ द लाइन। जो विजिबल आउटलाइन है ये आपको विजिबल एज है, विजिबल आउटलाइन है, ये जो बाहर का लाइन है उसको विजिबल आउटलाइन बोलते हैं है ना। और यहां पर आपको सारा आपको दिखाया गया लाइन, ये आपको लीडर लाइन है, ये आपको एक्सटेंशन लाइन है और ये आपको डायमेंशन लाइन है। जिस पे डायमेंशन लिखा होता है वो आपको डायमेंशन लाइन है, ये आपको थ्रेड लाइन है, ये एरो के साथ में जिसको दिखाया जाता है वो आपको लीडर लाइन है, ये आपको सेंटर लाइन है, सेंटर को दिखाया जाता है वो आपको सेंटर लाइन है ना। और ये जो हैचिंग किया जाता है कट का सेक्शन का उसको हैचिंग लाइन बोलते हैं, हैचिंग लाइन बोलते हैं। और ये आपको डायगोनल लाइन है, इसको डायगोनल लाइन बोलते हैं है ना, ये आपको डायगोनल लाइन बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप का जो लाइंस है वो आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, हैचिंग लाइन, शॉर्ट लाइन, डायगोनल लाइन, ये सारे आपको यहां पर आपको आपको बताया गया है ना। इस फिगर में आपको सारा आपको दिखाया गया है और आपको जो मेन मेन पॉइंट्स है ड्राइंग का वही मैं आपको बताता हूं। ये आपको सेक्शन लाइन है जो आपको थीन लाइन से ड्रॉ किया जाता है, 45 डिग्री पे आपको ड्रॉ किया जाता है, ये आपको 45 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल पे ये आपको ड्रॉ किया जाता है। और पैरेलल इक्वल एट द 3 mm गैप ये आपको ड्रॉ किया जाता है, ये 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन है, ये उस पर आपको ड्रॉ किया जाता है। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइंस है जिसको आपको यहां बनाने का आपको प्रैक्टिस दिखाया गया है ना। तो पहला था आपका टाइप्स ऑफ द लाइन। और नाउ कम टू द ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर में टाइप्स ऑफ द एंगल और ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, इसका एंगल 180 डिग्री है, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ये इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, मोर देन 180 डिग्री होता है बट लेस देन 360 डिग्री, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और ये आपको एडजेकेंट एंगल है, दो एंगल एक साथ में रहेगा, दो एक लाइन से डिवाइड होगा, उसको एडजेकेंट एंगल बोलते हैं। एडजेकेंट एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं जब दो एंगल आपका 90 डिग्री को फॉर्म करेगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं है ना। और एक्यूट एंगल जब आपको ये छोटा होगा तो इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये आपको टाइप्स ऑफ द लाइन है जो आपको ड्राइंग में आपको बनाना है, बना करके आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपको राइट एंगल है, एंगल इसका 90 डिग्री है ना, एंगल इसका 90 डिग्री है। ये ऑब्टूस एंगल है, इसका 90 डिग्री से बड़ा होगा और लेस देन 180 डिग्री होगा। ये आपको सप्लीमेंट्री एंगल है, ये आपको दो एंगल जब जो है 180 डिग्री फॉर्म करता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ द एंगल है ना। फिर से आपको मैं आपको यहां पर आपको रिवाइज करा देता हूं। ये स्ट्रेट लाइन है जब आपको 180 डिग्री एंगल होगा,
180 डिग्री से ज्यादा होगा तो इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, है ना। डिग्री का कंसेप्ट यहां पर आपको बताया हुआ है, ये आपको डिग्री का कंसेप्ट है। ये आपको एडजेकेंट लाइन है, दो लाइन दो एंगल से आपको गिरा रहता है तो इसको एडजेकेंट लाइन बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल आपको 90 डिग्री फॉर्म करता है तो इसको कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल, जब आपको 90 डिग्री से लेस होगा तो एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल, जब आपको 90 डिग्री होगा तो इसको राइट एंगल बोलते हैं, है ना। ये ऑब्टूस एंगल, जब आपको 90 से 180 डिग्री के बीच में होगा। सप्लीमेंट्री एंगल, जब 180 डिग्री फॉर्म करेगा। ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंगल्स का ड्राइंग, आपको ड्राइंग शीट में आपको बनाना है। नाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कितने तरह के होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 60 डिग्री का लेंथ इक्वल है, एंगल इक्वल है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल है, दो एंगल आपको इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, है ना। तीसरा है स्कैनली ट्रायंगल। देखिए दो आपको दिखाया गया है, तीन एंगल है और तीन साइड्स है, ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल, इसको स्कैनली ट्रायंगल बोलते हैं। ऑल द थ्री एंगल्स आर अनइक्वल, इसको स्कैनली ट्रायंगल बोलते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जब एक एंगल आपको 90 डिग्री का होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, जब एक एंगल जो है 90 डिग्री से आपको बड़ा होगा तो उसको आपको ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और किसी भी ट्रायंगल में सभी का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ये छह तरह का आपको ट्रायंगल है, है ना। ये छह तरह का आपको ट्रायंगल है, ये छह तरह का आपको ट्रायंगल है। और उसके बाद ज्योमेट्रिकल फिगर में स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, रोम्बस आता है और रोम्बोइड आता है। तो ज्योमेट्रिकल फिगर में ये आपको रोम्बस है, दो साइड्स आपके इक्वल हैं, आपको इसको रोम्बस कहते हैं, है ना, इसको रोम्बस कहते हैं। ये इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। एंगल आपको 90 डिग्री है और दो साइड्स इक्वल और दो पैरेलल है, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, ये दो साइड्स आपका इक्वल है, है ना, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। और नाउ कंसेप्ट ऑफ ए सर्कल। सर्कल का जो कंसेप्ट है यहां पर आपको दिया हुआ है। ये आपको आर्क हो गया, ये आपको कॉर्ड हो गया, ये आपको सेंटर हो गया, ये आपको सेक्टर हो गया, ये डायमीटर हो गया, ये आपको क्वाड्रेंट हो गया, ये आपको टेंजेंट हो गया, ये आपको रेडियस हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया, ये सेगमेंट हो गया, है ना। सर्कल का जो भी सेगमेंट वो आपको यहां पर दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको यहां पर आपको बताया गया है। दो सर्कल का सेंटर और रेडियस आपको बराबर होगा तो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। इसेंट्रिक सर्कल आपको यहां पर आपको दिया गया है। इसेंट्रिक सर्कल है, ये आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। दूसरा, ज्योमेट्रिकल फिगर में बाइसेक्ट राइट स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल। कैसे बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट कैसे करते हैं, आधा कैसे करते हैं? ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है, उसको बाइसेक्ट करना है। हाफ से ज्यादा यहां पर कट किया, यहां पर कट किया, यहां पर कट किया, यहां पर कट किया, यहां यहां लाइन से मिला दिया, ये आपको बाइसेक्ट हो गया, है ना। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ए गिवन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां पॉइंट से
यहां पर कार्क लिया, यहां पर आर्क लिया, फिर इसको यहां पे आपको मिला दिया। ये आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का आपको तरीका है। कैसे ड्रॉ करेंगे? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू द गिवन स्ट्रेट लाइन व्हेन द पॉइंट एंड एट द लाइन, है ना? ये आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका है। एक लाइन खींच दिया, फिर आर्क ले लिया, फिर आर्क ले लिया, फिर आर्क ले लिया, फिर आर्क ले लिया, फिर इसको ज्वाइन कर दिया। ये परपेंडिकुलर लाइन बनाने का तरीका है। पैरेलल लाइन बनाने का ये तरीका है। एक लाइन ले लिया और फिर ये आर्क बना दिया, फिर यहां से आर्क बना दिया, और फिर दोनों के जो आपका शीर्ष पॉइंट है वहां से आपको मिला दिया, आपको ये आपको पैरेलल लाइन आपको बन गया, है ना? ये आपको पैरेलल लाइन बन गया। डिवाइड ए लाइन इनटू द इक्वल नंबर ऑफ द पार्ट। ये आपको लाइन दिया हुआ है, आप उसको क्रॉस कीजिए और इसको मिलाते जाइए। इक्वल नंबर ऑफ द पार्ट में आपको डिवाइड हो गया है, है ना? ट्रायसेक्ट ए गिवन एंगल। कैसे ट्रायसेक्ट करेंगे, है ना? ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। ट्रायसेक्ट एन इक्वल एंगल, बायसेक्ट एन इक्वल एंगल। ये यहां पर ले लिया, यहां से आर्क ले लिया, यहां से आर्क ले लिया, इसको बायसेक्ट कर दिया। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये एंगल को बायसेक्ट कैसे करते हैं वो आपको बनाने का तरीका आपको यहां पर आपको बताया गया। दूसरा, ट्रायंगल्स कैसे बनाते हैं, ट्रायंगल्स कैसे बनाते हैं वो आपको यहां पर आपको बताया गया। एक लाइन ले लिया, यहां से आर्क खींच दिया, यहां से आर्क खींच दिया, फिर इसको मिला दिया, है ना? ये ट्रायंगल बनाते हैं। दूसरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनाते हैं? एक लाइन ले करके ये आर्क खींच दिया, फिर एंगल बना दिया, फिर यहां पे आर्क खींच दिया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, है ना? यहां पर ये ट्रायंगल बनाने का इसमें बताया हुआ है, है ना? यहां भी आपको ट्रायंगल बनाने का आपको बताया हुआ है, ट्रायंगल बनाने का आपको यहां पर आपको बताया गया। दूसरा, स्क्वायर बनाने का, कैसे स्क्वायर बनाएंगे? ये पहले भी आप लोगों ने किया होगा, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी आपको करना हूं। ये आपको स्क्वायर बनाने का मेथड है, है ना? ये स्क्वायर बनाने का मेथड है, ये स्क्वायर बनाने का मेथड है, और ये रेक्टेंगल बनाने का मेथड है, ये रेक्टेंगल बनाने का मेथड है, और ये पैरेललोग्राम बनाने का मेथड है, है ना? रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं? फिर उसके बाद आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटरिंग का आता है, लेटर लिखने का। इसमें आपको लेटरिंग किस तरह का होना चाहिए वो आपको यहां पर बताया गया है। ए बी सी डी इस तरह का जो है आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपको बताया गया है ना? लेटरिंग का बताया गया है ना, लेटरिंग का आपको बताया गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैपिटल लेटर्स ही आपको यूज किया जाता है, यहां पर लेटरिंग का वो बताया गया है। कैपिटल लेटर्स ही आपको यूज किया जाता है वो आपको यहां पर आपको बताया गया। उसके बाद आता है डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग में डायमेंशन कैसे करते हैं,
ये आपको एरो हेड आपको दिखाया गया है, एरो हेड आपको यहाँ पर ये आपको मेथड बताया गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, एरो हेड आपको इसी तरह बनता है, ये 1 width है, ये आपको 3 width है, आपको इसी तरह बनता है ना, ये आपको डायमेंशन लाइन कहलाता है। डायमेंशन लाइन का थिकनेस क्या होगा वो मैंने आपको अभी बताया, ये जो डायमेंशन देंगे ये आपको एक्सटेंशन लाइन कहलाता है, ये आपको एक्सटेंशन लाइन कहलाता है ना, ये एक्सटेंशन लाइन कहलाता है, ये आपको एक्सटेंशन लाइन कहलाता है, और ये जो लाइन है आपको लीडर लाइन कहलाता है, ये आपको लीडर लाइन कहलाता है, ये आपको लीडर लाइन कहलाता है, और मेथड ऑफ डायमेंशनिंग कैसे करते हैं यहां पर ये बताया गया है। देखिए ये आपको चेन डायमेंशनिंग है, ये चेन डायमेंशनिंग है, एक डायमेंशन लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, फिर चौथा लिखा, ये पांचवा लिखा, ये डायमेंशन जो देते हैं वो आप इसी तरह देते हैं है ना, और ये आपको चेन डायमेंशनिंग कहलाता है। एंगुलर डायमेंशनिंग जो देते हैं वो आपको इस तरह देते हैं, ये आपको एंगुलर डायमेंशनिंग कहलाता है ना, ये आपको डायमेंशनिंग कहलाता है, चेन डायमेंशनिंग है, और ये आपको एलाइन डायमेंशन कहलाता है। देखिए एक के ऊपर एक, 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 ये आपको एलाइन डायमेंशनिंग कहलाता है। पहले एक्स का डायमेंशन करेंगे, फिर इसका डायमेंशन करेंगे, फिर इसका डायमेंशन करेंगे, फिर इसका डायमेंशन करेंगे, पहले इसका डायमेंशन करेंगे, फिर इसका डायमेंशन करेंगे, फिर इसका डायमेंशन करेंगे, फिर इसका डायमेंशन करेंगे, ये 2 तरह के आपको डायमेंशनिंग होता है, एक तो चेन डायमेंशनिंग होता है, ये चेन डायमेंशनिंग है, और ये आपको पैरेलल डायमेंशनिंग है और एलाइन डायमेंशनिंग है, ये 2 तरह का डायमेंशनिंग फिगर में आपको होता है ना, ये पैरेलल डायमेंशनिंग आपको दिखाया गया है ना, 2 तरह का डायमेंशनिंग आपको किसी भी फिगर में आपको होता है। रेडियस का डायमेंशन इस तरह करते हैं, R15, स्फेयर का डायमेंशन स्फेयर 12 से करते हैं, डायमीटर का डायमेंशन 530 से करते हैं है ना, ये आपको सभी का डायमेंशनिंग आपको बताया गया है, कैसे जो है डायमेंशनिंग आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं वो आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए, डायमेंशनिंग का प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया हुआ है ना, ये बुक में आपको PDF जो है मैं अभी भेज दूंगा, ये डायमेंशनिंग के प्रैक्टिस के लिए वो आपको दिया हुआ है ना, फ्री हैंड स्केचिंग है, फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं उसके बारे में यहां पर आपको बताया गया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलीगॉन बनाते हैं वो यहां पर बताया गया है, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, नेनागॉन, डेकागॉन, अंडेकागॉन एंड डूडेकागॉन है ना, ये यहां पर आपको बताया गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग में है ना।
ब्लॉक का डायमेंशन कैसे करते हैं वो यहां पर आपको बताया गया है। ब्लॉक का डायमेंशन कैसे करते हैं ये यहां पर आपको बताया गया है। ये जो है आपका इंजीनियरिंग कंसेप्ट है और कैसे ब्लॉक का डायमेंशन किया जाता है वो यहां पर आपको बताया गया है। देखिए यहां पे आपको ये फ्रंट व्यू है, यहां पे एफ से दिखाया जाता है, साइड व्यू है एस से दिखाया जाता है, फ्रंट व्यू है एफ से दिखाया जाता है, साइड व्यू है साइड से दिखाया जाता है, और सारा जो है आपको 50, 40, 25, 15 है ना, ये डायमेंशनिंग कैसे किया जाता है वो आपको ब्लॉक का वो आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। ये ड्राइंग शीट का टाइटल कैसे ड्राइंग शीट पे बनाया जाता है वो यहां पर आपको बताया गया है। टाइटल लिखा जाता है, नेम लिखा जाता है, ट्रेड लिखा जाता है, एक्सरसाइज नंबर लिखा जाता है, ड्राइंग नंबर लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है ना, फिर नेम एंड एड्रेस लिखा जाता है, फिर प्रिंसिपल का साइन होता है। ये सारे आपको ड्राइंग शीट में आपका जो साइज है वो सारा यहाँ पर आपको ये डायमेंशन आपको दिया हुआ है ना, ये 80 है, ये 60 है ना। ये ड्राइंग शीट का आपको टाइटल ब्लॉक आपको यहाँ पर आपको बताया गया, ड्राइंग शीट का टाइटल ब्लॉक है ना यहाँ पर आपको बताया गया। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नेम, रोल नंबर, ईयर, सीट नंबर, टाइम अलॉटेड, ये आपको यहां ड्राइंग शीट में आपको बताया गया। ये आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, रीडिंग ऑफ द ड्राइंग, कैसे ड्राइंग को ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। देखिए पॉइंट ऑफ विजन ये है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रोजेक्शन प्लेन है, यहां से देखते हैं ऑब्जेक्ट को किस तरह का ऑब्जेक्ट दिखता है ये आपको प्रोजेक्शन प्लेन पे आ जाता है ना। और यही जो है प्रोजेक्शन प्लेन में जो फिगर आता है यही ड्राइंग शीट में आपको बनाया जाता है ना, यही आपको यहां पर आपको बनाया जाता है। ये पॉइंट ऑफ द विजन है, ये आपको प्रोजेक्टर्स है, ये आपको ऑब्जेक्ट है, ये आपको प्रोजेक्शन है, ये जो फिगर यहां पे आया वो यहां पर आपको बनाया गया है ना। सिमिलरली यहां भी वही दिखाया गया, ये पॉइंट ऑफ द विजन है, ये आपको प्रोजेक्टर्स है, ये आपको प्रोजेक्शन है, ये इसका लिया गया है ना, ये ट्रांसपेरेंट प्लेन है ना। तो जो प्रोजेक्शन होता है इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं, ये आपको ड्राइंग में आपको इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट को चार एंगल में रखते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। और ये फ्रंट से देखते हैं, एबव से देखते हैं, फिर वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको करते हैं। ऑब्जेक्ट यहां पे आपको दिखाया गया है, ये आपको प्रोजेक्टर है और इसका इमेज आपको यहां पर आपको प्लेन में आपको बनता है ना, प्लेन में आपको बनता है, इसी को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। ये आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, जब प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल तो वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है ना। जब प्रोजेक्टर जो है पैरेलल होता है तो उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट है, ये पैरेलल प्लेन है और इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं है ना। ये आपको फर्स्ट एंगल,
ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपको वर्टिकल एंगल है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर इसको फर्स्ट एंगल में आपको वीपी ऊपर चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे आ जाएगा। फर्स्ट एंगल में जो ऑब्जेक्ट देखते हैं यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आप इसको अच्छी तरह समझिए। कोई भी ऑब्जेक्ट है जब इधर से देखते हैं तो आपको फ्रंट व्यू इस तरह का दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू आपको इस तरह का दिखाई देगा, है ना? टॉप व्यू आपको इस तरह का दिखाई देगा, फ्रंट व्यू इस तरह का दिखाई देगा। सभी जगह ड्राइंग में फ्रंट व्यू बनाया जाता है, टॉप व्यू बनाया जाता है। तो इस फिगर को आप अच्छी तरह समझिए, और फिर ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपको वर्टिकल प्लेन ऊपर चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे आ जाएगा, टॉप व्यू नीचे आ जाएगा, फ्रंट व्यू ऊपर चला जाएगा। ये फर्स्ट एंगल का है, फर्स्ट एंगल में आपको दिखाया गया, ये फर्स्ट एंगल में आपको दिखाया गया, और ये थर्ड एंगल का है। ये थर्ड एंगल में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर चला जाएगा, वर्टिकल प्लेन नीचे आ जाएगा, है ना? थर्ड एंगल में रखते हैं, टॉप व्यू ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू इधर बनेगा, है ना? टॉप व्यू ऊपर चला जाएगा, फ्रंट व्यू नीचे आ जाएगा। तो ये थर्ड एंगल का है, ये जो फिगर है आपको फर्स्ट एंगल का है, और नीचे वाला थर्ड एंगल का है ना? ये फिगर को फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल अच्छी तरह समझिए। ये अक्सर वो भावा में पूछा जाता है, इंडस्ट्री में भी काम आता है। फर्स्ट एंगल का ये आपको ड्राइंग है, दिस इज ड्राइंग फॉर द फर्स्ट एंगल, ये फर्स्ट एंगल का ड्राइंग है, है ना? फर्स्ट एंगल का ड्राइंग है। ये जब इधर से देखते हैं तो फ्रंट व्यू बनता है, और इधर से देखते हैं तो टॉप व्यू बनता है। है ना? ये आपको फ्रंट व्यू है, ये आपको टॉप व्यू है, ये फर्स्ट एंगल को आप ध्यान से देखिए। कोई भी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट एंगल में रखा जाता है, जब इधर से देखते हैं तो फ्रंट व्यू बनता है। ये जो फिगर है यहां जो बन रहा है, ये आपको फ्रंट व्यू यहां पे आपको बन रहा है, फ्रंट व्यू हो रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपको फ्रंट व्यू बन रहा है। ऊपर से जब आप देखते हैं तो सिर्फ ये पोर्शन आपको दिखेगा, ये आपको टॉप व्यू है, है ना? और ड्राइंग शीट में जो बनाना है वो इस तरह बनेगा, टॉप व्यू दिखा रहा है, फ्रंट व्यू दिखा रहा है, ये इसका दिखा रहा है फर्स्ट एंगल का, है ना? फर्स्ट एंगल का आपको दिखा रहा है। ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू होगा, इधर से देखेंगे फ्रंट व्यू होगा, है ना? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यहां पर आपको दिखाया गया है। ड्राइंग शीट में जो बनेगा यही बनेगा। और दूसरा, ये थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, थर्ड एंगल यहां पे आपको दिखाया गया है ना? एचपी ऊपर चला जाएगा, वीपी नीचे आ जाएगा। थर्ड एंगल में यहां से देखते हैं, नीचे से देखते हैं, ऊपर से देखे तो टॉप व्यू इस तरह का दिखेगा, और फ्रंट से देखे फ्रंट व्यू इस तरह बनेगा, और ये आपको यहां पर आपको दिखाया हुआ है टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपको यहां पर आपको दिखाया हुआ है ना? ये टॉप व्यू दिखाया हुआ है, ये फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है ना? तो ये आप फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का देखिए, इसमें टॉप व्यू ऊपर चला जाएगा थर्ड एंगल में, फर्स्ट एंगल में नीचे रहेगा, फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल में ऊपर चला जाएगा,
और फ्रंट व्यू इसमें आपको नीचे आ जाएगा, ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का आपको डिफरेंस है ना, ये आपको टॉप व्यू है, ये आपको फ्रंट व्यू है ना, ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को पहले अच्छी तरह समझिए। ऑब्जेक्ट यहां है, ये आपको थर्ड एंगल है ना, इधर से देखेंगे फ्रंट व्यू आपको मिलेगा, ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू मिलेगा, ये फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल में इधर से देखेंगे फ्रंट व्यू मिलेगा, ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू मिलेगा, और ड्राइंग शीट में आपको यही बनाना है, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया है ना, ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का मेथड है, और BIS इंडियन स्टैंडर्ड इंडिया में कहता है कि आपको फर्स्ट एंगल का इंडिया में यूज होता है, सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल नहीं यूज होता है क्योंकि उसमें फिगर जो है ओवरलैप हो जाएगा है ना, ये HPN VP ये आपको दिखाया गया है सेकंड एंगल एंड फोर्थ एंगल का है ना, HPN VP ओवरलैप हो जाता है, इसीलिए सेकंड एंगल और द फोर्थ एंगल आपको ड्राइंग में यूज आपको नहीं होता है, सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल आपको ड्राइंग में आपको यूज नहीं होता है। तो फर्स्ट एंगल को पहले समझिए, ये आपको इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंगल क्या क्या है ना, ये फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल में वर्टिकल प्लेन ऊपर चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे आ जाएगा, वर्टिकल प्लेन में जो इमेज बनता है उसको फ्रंट व्यू बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो इमेज बनता है उसको टॉप व्यू बोलते हैं है ना, ये आपको फर्स्ट एंगल है, देखिए ये फर्स्ट एंगल को यहां पे टर्न किया, वर्टिकल प्लेन ऊपर चला गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे चला गया, ये आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर चला गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे चला गया, फ्रंट वर्टिकल प्लेन में जो फिगर बनेगा उसको फ्रंट व्यू बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो फिगर बनेगा उसको टॉप व्यू बोलते हैं, तो फर्स्ट एंगल का आपको ये फ्रंट व्यू ऊपर चला जाएगा, टॉप व्यू नीचे आ जाएगा, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया, फ्रंट व्यू आपको ऊपर चला गया, टॉप व्यू नीचे आ गया, ये दिखाया गया। थर्ड एंगल में जब ऑब्जेक्ट थर्ड एंगल में रखते हैं और फिगर बनाते हैं तो उसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं, थर्ड एंगल में हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको ऊपर चला जाता है, वर्टिकल प्लेन आपको नीचे आ जाता है ना, और ये थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन आपको दिखाया गया है, थर्ड एंगल में टॉप व्यू यहां पे बना, फ्रंट व्यू यहां पे बना है ना, और ये आपको थर्ड एंगल का जो प्रोजेक्शन है वो आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये थर्ड एंगल है, तो इंडिया में फर्स्ट एंगल यूज किया जाता है और सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल यूज नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन आपको ओवरलैप हो जाता है, ड्यू टू दिस रीजन सेकंड एंगल एंड फोर्थ एंगल आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, तो इंडिया में दो ही मेथड फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल यूज किया जाता है, इंडिया में फर्स्ट एंगल यूज किया जाता है ना, BIS हैज रिकमेंडेड द फर्स्ट एंगल मेथड टू बी यूज्ड इन अवर कंट्री, BIS ने आपको फर्स्ट एंगल यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है, तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल यही है, और मैं यहीं तक मैं आज लेक्चर लेता हूं, फिर कल आपको लेक्चर लेंगे, तो ये फर्स्ट एंगल है और थर्ड एंगल को पहले समझिए, फर्स्ट एंगल है थर्ड एंगल है ना।
कोई डाउट है तो आप बताइए. एनी डाउट? कोई डाउट है तो आप बताइए. तो आज यहीं तक लेक्चर रहने देते हैं और फिर कल कल शुरू करेंगे, है ना?